आनंद हो, आनंद हो। लग्न से एट हाउस यानी मृत्यु स्थान यानी मृत्यु भाव। हमने सप्तम स्थान में युवती भाव के बारे में बात की, सिक्स हाउस की बात की, फिफ्थ की, फोर्थ की, थर्ड की, सेकंड की, फर्स्ट की, असेंडेंट की। अब हम आए हैं एट हाउस पे। एट हाउस सिक्स हाउस की तरह ही क्रूर माना जाता है। एट हाउस सिक्स हाउस की तरह ही माना जाता है कि ये आपकी जो निगेटिविटीज हैं उनको दर्शाता है। अब क्या क्या पहले देखते हैं इससे, ये जानते हैं। एट हाउस कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। बर्थ चार्ट में एट हाउस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है। क्यों क्यों माना जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आयु, व्यक्ति का जो जीवन है और जैसे आपकी मेरी आयु कितनी हो सकती है और किस प्रकार से हमारी मृत्यु हो सकती है। अब मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु का अर्थ केवल आपकी मृत्यु नहीं है, आपके जीवन की हर परिस्थिति की मृत्यु है। जब हमें किसी भी तरह के लॉस को देखना होता है, इसे हम हाउस ऑफ लॉसेस कहते हैं। किसी भी तरह के लॉस को देखना होता है तो हम इसे देखते हैं, चाहे वो वैचारिक है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो रिश्ते से संबंधित है और चाहे वो आपकी जॉब से संबंधित है। किसी भी तरह का लॉस हम एट हाउस से देखते हैं। एट हाउस अपने आप में एक ऐसा हाउस है जो कि डायरेक्ट वे आपके छुपे हुए विचारों को दर्शाता है। यानी अगर चंद्र आ जाए, मंगल आ जाए, शनि आ जाए, राहु आ जाए, किस प्रकार का प्रभाव वहां पे होगा, आपके अंदर के विष को दर्शाता है। क्या? एट हाउस मृत्यु भाव। तो पहले आयुष्य, आयु कितनी होगी, किस प्रकार से मृत्यु हो सकती है, किस तरह से लॉसेस हो सकते हैं, यदि कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर कहां से उसका मूल एट हाउस में कहां से है, यदि कोई डिप्रेशन है सिक्स हाउस और एट हाउस कहां से क्या काम कर रहे हैं, ये एक विश्लेषण का विषय होता है। परंतु मूल जो बात है वो यही है कि एट हाउस काम क्या करता है, किस तरह से एट हाउस आप पे इफेक्ट करता है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्ड बातें हैं, हो सकता है दूसरा पार्ट भी इसका बनाऊं मैं, तो जुड़े रहिएगा। एट हाउस से आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं। असाध्य रोग, कोई भी ऐसा रोग जो कि मेडिसिन से ठीक नहीं होता, जो कि मेडिसिन से ठीक नहीं होता, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जो कि मेडिसिन पे ठीक नहीं होता, असाध्य रोग, चाहे वो मानसिक है चाहे शारीरिक है। और कष्ट, जीवन में कष्ट, किस प्रकार से कौन सी स्थितियों में व्यक्ति कष्टप्रद जो समस्याएं हैं उनसे जूझेगा या उनसे ग्रसित होगा, ये इस हाउस से देखते हैं। यानी मान लीजिए कि आपके जीवन में या मेरे जीवन में या कोई भी व्यक्ति के जीवन में जब हमें ये देखना है कि व्यक्ति किस प्रकार की समस्याओं से उलझेगा और किस प्रकार से ट्रैप हो जाएगा, एट हाउस ट्रैप है, किस प्रकार से ट्रैप हो जाएगा उन सिचुएशंस में, उन प्रॉब्लम्स में, तो एट हाउस इज नोन टू बी द हाउस ऑफ लॉसेस, द हाउस ऑफ ट्रैप, मृत्यु भाव, द हाउस ऑफ डेथ, वेदर इट इज द डेथ ऑफ एनी रिलेशन और इट इज द डेथ ऑफ अ पर्सन और इट इज द डेथ ऑफ सम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। अब इसके साथ में नेक्स्ट जो है वो है सबकॉन्शियस माइंड, छुपे हुए विचार, आपके अंदर की तह, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर्स तक का, यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये एट हाउस हमें व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताता है। बाहर से हो सकता है वो बहुत सज्जन हो, परंतु यदि कोई क्रूर प्लैनेट वहां पे है तो हम जान जाते हैं कि व्यक्ति जो है ये कहीं ना कहीं इसके अंदर उग्रता है और वही उसका कारण है। और बहुत सारी ऐसी बातें, शुक्र का अलग प्रभाव है, राहु का अलग प्रभाव है अष्टम भाव में। तो ये
हम जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड की चाल क्या होगी, व्यक्ति के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कैसी लेयर्स होंगी। तो ये तो विश्लेषण का विषय है, परंतु लेयर्स जानी यहीं से जाती हैं। कोई व्यक्ति डिप्रेशन से, बहुत देर से डिप्रेशन से चला आ रहा है, उसको यहीं से जानेंगे कि कारण क्या है और उसका हल कैसे किया जाए। और काउंसलिंग भी, हम हीलर्स जब हील करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम एट्थ हाउस देखते हैं, सिक्स्थ हाउस देखते हैं, फोर्थ हाउस देखते हैं और ट्वेल्थ हाउस देखते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सीधा संबंध आपके सबकॉन्शियस माइंड से है। ये एक पूर्ण रूप से एक साइंस है। एट्थ हाउस आपको किस बारे में बताता है? आयु, मृत्यु, आकस्मिक धन, जमीन से छुपा हुआ, जमीन में छुपा हुआ। जैसे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, आपके अंदर लेयर्स, विचार, यानी जमीन के अंदर छुपा हुआ जो भी कुछ होगा, मान लीजिए गड़ा हुआ धन है, वो भी यहां से देखा जाता है। और आकस्मिक, जो आपके पास नहीं था, अचानक से आपको प्राप्त हुआ, चाहे वो कष्ट था चाहे वो धन था, आकस्मिक प्राप्ति, सडन चेंजेस, एक्सीडेंट्स, ये हम यहां से देखते हैं। सडन चेंजेस चाहे वो किसी भी तरह के हैं। मान लीजिए अब राहु जैसे चेंज हुआ है, जिन लोगों के राहु अष्टम में आएगा गोचर में, तो वो सडन चेंजेस लाएगा। एट्थ हाउस रिप्रेजेंट सडन चेंजेस, अचानक से जो बदलाव आ गए। आप आज कुछ थे, कल कुछ हो गए, कल कुछ थे, परसों कुछ हो गए, या अचानक से कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रेम करता था, अचानक से बदल गया, तो ये कहीं ना कहीं एट्थ हाउस से संबंधित होता है। एट्थ हाउस जमीन से नीचे, यानी छुपा हुआ, पाताल ही से तो निकल के आया है सब कुछ। अगर आप किसी से प्रेम करते थे, आपको पता ही नहीं था कि वो व्यक्ति आपके बारे में वैमनस्य रख रहा है, और अचानक आपके सामने वो बात आई, तो वो पाताल ही से तो आई। तो एट्थ हाउस आपके अंदर का कहीं ना कहीं पाताल लोक से संबंधित है। आपके अंदर जो छुपा हुआ सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट में जो विचार है, जो चीजें भरी हैं, ये सब चीजें आपके उन्हीं एट्थ हाउस से हम जानेंगे। अब रोग, किस प्रकार के रोग व्यक्ति को ग्रसित करेंगे? असाध्य रोग, मैंने बताया आपको, असाध्य रोग जो हैं वो किस प्रकार से व्यक्ति पर प्रभाव डालेंगे, कौन सा असाध्य रोग किस समय में किस तरह से व्यक्ति पे हो सकता है, ये भी हम, वो डिप्रेशन भी हो सकता है, हो सकता है कैंसर हो सकता है कोई और चीज हो, कोई भी रोग जो कि जल्दी से साध्य नहीं होगा, बुखार और ये सब चीजें नहीं, परमानेंट मेडिसिन जो जिस पे चलती है, और लॉन्ग टर्म बीमारी, विदेश यात्रा। अब एट्थ हाउस को हम जल भी मानते हैं, तो जल को क्रॉस करना यानी विदेश यात्रा, इस घर से हम विदेश यात्रा भी कैलकुलेट करते हैं। अब उसमें सिक्स्थ और ट्वेल्थ और फोर्थ ये भी होता है, इनको कैलकुलेट करते हैं विश्लेषण में, परंतु विदेश यात्रा भी यहां से देखी जाती है। और उसके साथ में सडन चेंजेस, मैंने फिर बता रहा हूं मैं आपको, सडन चेंजेस, जितने भी सडन चेंजेस हैं आपके जीवन में, जो भी सडन चेंजेस हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम यहां से देखते हैं। यह हाउस सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इसमें पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिविटी क्या है कि जब तक आपको बोध नहीं होता तब तक आप जान कैसे पाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो एट्थ हाउस रिप्रेजेंट्स लॉसेस एंड लॉसेस आर ऑल्सो द टीचर्स। तो एट्थ हाउस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन सबकॉन्शियस माइंड थिंग्स, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड थिंग्स। मैं साइकोलॉजी की या साइकिक एनर्जीज की बात करूं या मैं स्टेट्स ऑफ माइंड की बात करूं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम सबकॉन्शियस माइंड, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, टेंशन, अचानक से जो आप पे घात आता है, शत्रु का घात आता है, एक्सीडेंटली आप, कुछ भी आपके साथ होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई ऐसी घटना एकदम से परिवार में हो जाती है, झगड़ा हो जाता है और रिलेशन खत्म होने तक पे आ जाता है, पति पत्नी का किसी भी तरह से, बॉस एम्प्लॉय का किसी भी तरह से, या फिर किसी भी तरह से, किसी भी मृत्यु को हम
एट्थ हाउस से कैलकुलेट करते हैं, किसी भी लॉस को हम एट्थ हाउस से कैलकुलेट करते हैं। अब रोग, रोग जो होते हैं ना, यानी ये जो मैंने कल बताया था, सेवेंथ हाउस स्वाधिष्ठान, सिक्स हाउस स्वाधिष्ठान भय डर, है ना। और ये जो रोग हैं, मान लीजिए असाध्य रोग आते कहां से हैं, नाभि से नीचे अपान निवास करती है, तो ये आपकी अपान वायु को भी दर्शाते हैं। और उसके साथ में उदर के नीचे के भाग के जितने भी रोग हैं या उनके कारण हुए रोग हैं, ये हम यहीं से देखते हैं, वायु दोष से लेकर किसी भी प्रकार के दोष, किसी भी प्रकार की समस्या जो है वो हम यहां से देखते हैं। जो भी समस्या आपके अंदर असाध्य बन के आ गई है, उसका कारण कहीं ना कहीं आपके अंदर का विष ही है। और विष कहां होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में विष सबसे पहले ही निकलता है। और अपान वायु रहती कहां है, यूरिनरी ट्रैक्ट में। और अपान वायु कहां रहती है, एनस से ऊपर और नाभि से नीचे, यहां अपान वायु रहती है। तो ये अपान वायु को भी जो है दर्शाता है और उसकी स्थिति हमें बताता है। व्यक्ति की उदर के नीचे के भाग के जितने भी रोग हैं, यानी इंटेस्टाइन, ये नाभि नेवल से नीचे जितने भी रोग हैं वो हम यहां से देखते हैं। और असाध्य रोग भी, क्योंकि असाध्य रोगों का कारण भी आपका बॉडी का अपान ही होता है। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मित्रों, ये थी अपान वायु, एट्थ हाउस, हाउस ऑफ लॉसेस, मृत्यु स्थान, और सबकॉन्शियस माइंड, जितनी भी निगेटिविटी है सबकॉन्शियस माइंड की, जो मन की चाल है, मन घूम के वर्तुल में आता कैसे होगा, ये हम इस घर से देखते हैं। मन का वर्तुल होगा क्या, कैसे सोचेगा और किस प्रकार से वो बातों को पॉजिटिवली नेगेटिवली लेगा, और किस प्रकार से छुपे हुए राज उसके अंदर होंगे, यानी चंद्र अगर अष्टम आ जाए या केतु अगर अष्टम आ जाए तो मन कैसे काम करेगा, यानी चंद्र, सूर्य या राहु या फिर केतु अगर अष्टम आ जाए या फिर मंगल शनि अष्टम आ जाए तो काम कैसे करेगा, शरीर का काम, वायु तो हमने देख ली पर शरीर कैसे काम करेगा, ब्रेन कैसे काम करेगा, और किस प्रकार से उसके अंदर छुपे हुए इमोशंस, उसकी एंजाइटी, उसकी टेंशंस, उसकी सब समस्याओं का कारण होंगे। ज्योतिष अपने आप में एक व्यक्ति एक किताब है ज्योतिष के हिसाब से। तो ये कुंडली आपकी किताब है, आप हो, इसको जानिए, समझिए।